पलवल डीएसपी यशपाल खटाना ने बताया कि पंजाब के जिला तरणा रतन के थाना खंडरू के गांव जहांगीर निवासी तरजेंद्र सिंह ने 30 अप्रैल को सदर थाना पुलिस को दी शिकायत दर्ज कराई थी कि वह ट्रक पर चालक है। ट्रक पर पंजाब के बंडाला हिंदू पट्टी निवासी काबल सिंह बतौर सहायक चालक था। बीती 26 अप्रैल को रायपुर से चंडीगढ़ के लिए सामान लोड करके चले। 29 अप्रैल की रात करीब 10:30 बजे आगरा दिल्ली रोड पर गांव अंटोहा के एमपी के रास्ते मानेसर जाने के लिए ट्रक रोककर पलवल इंटरचेंज पर खड़े व्यक्ति से नीचे उतरकर रास्ता पूछने लगे। इसी दौरान दो नौजवान लड़के खेतों की तरफ से आए, पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए खेतों में ले गए। खेतों में मारपीट कर तरजेंद्र की जेब से 500 रुपए और काबल सिंह से 35,000 रुपए व दो मोबाइल फोन लूट लिए। लूट के दौरान खेतों में 3-4 व्यक्ति और आते दिखाई दिए तो शोर मचा दिया। शोर मचाने पर एक लड़के ने मेरे मुंह पर पंच और दूसरे ने काबल सिंह की छाती में गोली मार दी। इसी दौरान 3-4 व्यक्ति भी आ गए और उन्होंने भी मारना पीटना शुरू कर दिया। मारपीट का शोर सुनकर बचाओ बचाओ की आवाज लगाई तो एक व्यक्ति को आता देख सभी हमलावर खेतों की ओर भाग गए। ब्लाइंड मर्डर होने के चलते जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया द्वारा मामले की जांच CIA पलवल इंचार्ज अमित कुमार को दी गई। टीम जांच में जुटी हुई थी कि 20 मई को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि KMP मोड़ के समीप ट्रक चालक की गोली मारकर हत्या करने वाला एक आरोपी गुरुग्राम में राजीव चौक पर मौजूद है। सूचना मिलते ही टीम गठित की गई जिसमें SI शहीद अहमद, हवलदार भूपेंद्र राकेश, सिपाही संदीप व सरकारी गाड़ी चालक गोविंद को शामिल किया गया। टीम ने मुखबिर द्वारा बताया गया स्थान राजीव चौक पर दबिश दी और आरोपी को काबू कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम दीपक निवासी गांव फुलवाड़ी बताया और बताया कि उसने व उसके 3 अन्य साथियों ने ही मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी से हथियार व नकदी की बरामदी के लिए अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया हुआ है। पुलिस बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके ठिकानों पर दबिश दे रही है। 29 और 30 अप्रैल की नाइट में KMP मोड़ NH2 हाईवे पर एक ट्रक चालक के साथ में लूट के साथ में उनकी हत्या हो गई थी, जिस संबंध में हमारी श्री नरेंद्र सिंह बिजारनिया IPS पुलिस अधीक्षक पलवल के आदेश पर और इंस्पेक्टर नरेंद्र अमित कुमार के निर्देश पर शहीद अहमद की एक टीम गठित की थी। ये ब्लाइंड मर्डर था, डकैती लूट विद मर्डर, ठीक है जी। तो उसकी सुलझाने के लिए अलग से टीम गठित की गई थी, जो हमारी टीम ने शहीद अहमद सब इंस्पेक्टर की टीम ने कल एक आरोपी है जो दीपक सनफ संतराम फुलवाड़ी गांव का रहने वाला, इसको गिरफ्तार किया, इसे पूछताछ की तो इसने इस वारदात को कबूल किया, जिसको कल गिरफ्तार करके आज पुलिस रिमांड हासिल किया है, जिसका एक दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त हुआ है, जिससे अभी पूछताछ जारी है। कहां से होती गिरफ्तारी, कैसे पता लगा था इसने किया? इसको गुप्त सूचना के आधार पर राजीव चौक गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया था, जो हमारी टीम को गुप्त सूचना मिली थी उसी आधार पर इनको गिरफ्तार किया। आरोपी ने क्या बताया, किस तरह से हत्या को वारदात की थी इन्होंने? आरोपी ने जो वारदात की है उसको माना है, भाई हमने अपने साथियों की मदद से लूटपाट के इरादे से और गोली मार करके नहीं उसकी हत्या कर दी थी। और जो उसको आज उसमें कितने हो गए इनके साथ? इसके साथ में 3 आरोपी और हैं, टोटल ये 4 थे, चारों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया था। तो किससे कैसे कोई हथियार वगैरह कुछ? अभी इससे पूछताछ जारी है, रिमांड ले रखा है इसका, इससे जो भी वारदात में प्रयुक्त डंडा है और कोई वेपन है वो रिकवर किया जाएगा, जो लूट में पैसे थे उनकी रिकवरी की जाएगी और आगे साथी दोषियों के बारे में पूछताछ की जाएगी। और भी किसी वारदात को अंजाम दे रखा है? अभी तक इसने इसी वारदात को माना है।